दोस्तों अगर आपने सीआरपीएफ ट्रेडमैन का फॉर्म डाला हुआ है तो आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होने जा रहा है और कब होगा उसकी डेट आ चुकी है, ऑफिशियली डेट है, और एडमिट कार्ड कब आपके आएंगे उसकी भी डेट आ चुकी है। अगर आपने सीआरपीएफ ट्रेडमैन का फॉर्म डाला हुआ है जिसमें 9212 पोस्ट है पूरे भारत के लिए, अगर आपने उसमें फॉर्म डाला हुआ है तो आपका जो एग्जाम है वो पहले होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर पे, तो आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। कब से आपके एग्जाम शुरू होंगे और कब तक होंगे आपको इस वीडियो में बताएंगे, और एडमिट कार्ड कब आएंगे ये भी आपको बताएंगे। ध्यान से वीडियो को देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने ट्रेडमैन का, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जिसमें 9212 पोस्ट है उसका फॉर्म डाला हुआ है, उसको ये वीडियो शेयर कर दो अपने किसी एक दोस्त के साथ जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो सीआरपीएफ की तरफ से जारी किया गया है। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड जो आपका कंप्यूटर पे जो आपका एग्जाम होगा उसका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा, आप सबको बता दूं 20 जून से लेके 25 जून के बीच बीच आएगा, 20 जून से लेके 25 जून के बीच बीच आपके एडमिट कार्ड आएंगे एग्जाम के लिए। दोस्तों आप सबको बता दूं अगर आपको सीआरपीएफ ट्रेडमैन का सिलेबस चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, अगर आपको चाहिए वीडियो तो इसके वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि हमें सीआरपीएफ ट्रेडमैन का सिलेबस पे वीडियो चाहिए और इस वीडियो पे 2000 लाइक करने हैं। जब इस पर 2000 लाइक और आप कमेंट करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और आपका जो एग्जाम का, आपका जो कंप्यूटर पे टेस्ट होगा उसका जो शेड्यूल है, जो एग्जाम है, जो आपका डेट है वो है 1 जुलाई से लेके 13 जुलाई के बीच बीच आपका एग्जाम शुरू होगा। 1 जुलाई से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और 13 जुलाई तक होंगे, लगभग 13 दिन आपके एग्जाम चलेंगे। 13 दिन में आपका किसी भी डेट को एग्जाम हो सकता है, 1 जून से 13 जून के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। जो आपको फिक्स डेट मिलेगी और कहां पर होगा टाइम, ये सब आपको आपके एडमिट कार्ड पर देखने को मिलेगा। जो एग्जाम शुरू होगा वो 1 जून से लेकर 13 जून के बीच बीच होने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन के। फॉर्म डाला हुआ है तो तैयारी शुरू कर दो, और अगर आपको सिलेबस पे वीडियो चाहिए इस वीडियो पे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।